मैं जुनैद अजीज़ एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ब्रॉड रिवर क्लासेस पे। आज हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 के सबसे पहले लेसन ज्योग्राफी के रिसोर्सेस पे। जो बच्चे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं ये उनके सिलेबस को भी कवर करता है, और वैसे ये यूनिवर्सल टॉपिक भी है जो अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों के काम भी आ सकता है। आप इन्हें देखें। आज की जो टॉपिक का चर्चा का जो टॉपिक है वो रिसोर्सेज है, मतलब संसाधन। संसाधन अपने आप में एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा टर्म है कि जिसको सिर्फ उसके मीनिंग से उसका क्लेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर सिर्फ हम लोग इतना कह दें कि रिसोर्सेज हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो सिर्फ इतने ही से रिसोर्सेज का जो उद्देश्य है या इसका जो स्कोप है वो ख़त्म नहीं होता है, बल्कि मंजिलें और भी है जो हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इस पर देखिए, ये जो टर्म रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज ये लैटिन वर्ड से बना है। इसमें दो टर्म्स मिले हुए हैं, एक री दूसरा सोर्स। लैटिन लैंग्वेज में री मीन्स होता है अगेन, मतलब फिर से, और दूसरा टर्म जो है सोर्स, इसका मतलब होता है मीन्स। दो टर्म्स इसमें आए, अगेन एंड मीन्स, मतलब किसी भी मीन्स का या साधन का अगर हम बार बार उपयोग करते हैं तो वो चीज़ें संसाधन के रूप में एक्सेप्ट की जाती है। किसी भी चीज़ का बार बार उपयोग में आना संसाधन कहलाता है, ये इसका सिंपल मीनिंग है। लेकिन इतने ही से इसके अर्थ जो हैं या इसका जो स्कोप है या एरिया है वो समाप्त नहीं होता है। आगे हम लोग इसमें स्टेप वाइज चलेंगे। जहाँ भी रिसोर्सेज की चर्चा होती है तो जैसा कि मैंने बताया कि रिसोर्सेज अपने आप में एक व्यापक शब्द है, व्यापक अर्थ भी रखता है, तो जहाँ भी रिसोर्सेज की चर्चा होती है उससे जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो सामने आते हैं तो उन्हें जानना चाहिए। कि जैसे सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि व्हाट इज रिसोर्सेस, ये संसाधन होते क्या हैं। फिर हम लोग इस देखेंगे कि वैल्यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, वैल्यूज़ के जो भी रिसोर्सेज हैं उसका वैल्यू क्या है हमारे लिए। फिर हम लोग बात करेंगे वैल्यूज़ के बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस पे, के दुनिया में जितने भी तरह के रिसोर्सेस पाए जाते हैं क्या वो सारे एक जैसे हैं या उनके बनने की प्रक्रियाएं एक जैसी है, ऐसा नहीं है। तो जब अलग अलग प्रक्रियाओं से संसाधन बनते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जगहों पे पाए जाते हैं तो जाहिर है कि इसके टाइप्स भी अलग अलग होंगे। तो आगे जो मेरी बात होगी आपके साथ वो रिसोर्सेज के टाइप्स पे। टाइप्स के बाद आता है फिर रिसोर्सेज के प्लानिंग, के रिसोर्सेज को हम लोग प्लान्ड मैनर में कैसे यूज़ करेंगे। अगर हम लोग चाहते हैं कि किसी भी रिसोर्स का लंबे समय तक यूज हो सके जो कमिंग जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन के भी काम आए, जिसके लिए एक टर्म यूज़ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब सतत पोषणीय विकास या टिकाऊ विकास, जिसको इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो फिर उसके लिए रिसोर्स को प्लान्ड वे में यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए ये भी रिसोर्स के अंदर बहस करने का एक मुद्दा है जिस पे बात होगी। प्लानिंग के बाद आते हैं डेवलपमेंट, रिसोर्सेज डेवलपमेंट मतलब संसाधनों का विकास। क्या संसाधन का विकास भी होता है या संसाधनों का विकास कैसी प्रक्रियाओं का, किस प्रोसेस का रिजल्ट है, और संसाधन का डेवलपमेंट क्यों होना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए डेवलपमेंट को भी जानना है जो रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। और फिर आप लोग देखेंगे इसमें कि डेवलपमेंट के बाद आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब संसाधनों का संरक्षण या इसकी सुरक्षा। कंजर्वेशन के साथ ही एक टर्म को भी आप जोड़ सकते हैं जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब टिकाऊ विकास, या इसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के बारे में इन छोटी छोटी चीज़ों को जानना है कि सबसे पहले देखेंगे कि
कि रिसोर्सेज क्या हैं, इसमें इसके मीनिंग भी आ जाते हैं, इसमें इसके डेफिनेशन भी आ जाते हैं, इसमें इसके स्कोप भी आ जाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे वैल्यूज़ पे, संसाधनों का हमारे लिए क्या वैल्यू, फिर बात करेंगे टाइप्स पे, फिर प्लानिंग, फिर डेवलपमेंट, फिर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जहाँ भी रिसोर्स की चर्चा होगी वहाँ ये छोटी छोटी बातें अपने आप आ जाती है, जिसको बिना क्लियर किए या समझे हुए हम लोग रिसोर्स को ठीक से नहीं समझ सकते। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, जिसका नाम है, जो क्वेश्चन है, व्हाट इज रिसोर्स, मतलब ये रिसोर्स क्या है। जैसे अभी व्हाट इज रिसोर्स, ये सबसे पहला क्वेश्चन है रिसोर्स से संबंधित। जैसा कि मैंने बताया कि रिसोर्स में दो टर्म्स मिले हुए हैं, री प्लस सोर्सेज, जिसमें री का मतलब होता है अगेन और सोर्स का मतलब होता है मींस, मीडियम। मतलब कि किसी भी मींस या मीडियम का उपयोग अगर हम करते हैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो ओ मीडियम, ओ मींस संसाधन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ये इसका मीनिंग है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज रिसोर्सेज, मतलब संसाधन क्या है। तो इसका सिंपल अर्थ है कि एनी थिंग्स विच मीट्स द ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, वैसी सभी चीज़ें और वैसी कोई भी चीज़ और सभी चीज़ें जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी करती हो, एनी थिंग्स, इसके अंदर सभी चीज़ जिसके अंदर आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता हो, जो आवश्यकताएं पूरी करती हो, वो सभी चीज़ें संसाधन कहलाती है। ये रिसोर्स का मीनिंग हुआ। किसी भी चीज़ का बार बार उपयोग अगर हम अपने आवश्यकताओं को पूरे करने के लिए करते हैं, तब वो चीज़ें रिसोर्स कहलाती है, मतलब संसाधन। ये जो पहला सवाल था आपका कि व्हाट इज रिसोर्सेज, संसाधन होते क्या हैं, ये उसका क्लेरिफिकेशन था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वैल्यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, वैल्यूज़ पे, ये दूसरा टॉपिक है। जैसे आप देखेंगे कि आपके इस नेचुरल सराउंडिंग में बहुत सारे मैटर्स हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेज हैं, उसमें से कुछ ऐसे हैं जिसको नेचर ने जनरेट किया हुआ है, जो नेचुरल थिंग्स के नाम से जाने जाएंगे। कुछ ऐसा है जो आदमी अपने स्किल और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी जनरेट करता है, वैसी चीज़ें कल्चर लैंडस्केप के अंदर आ जाती है। तो आपके इस नेचुरल सराउंडिंग में दो तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो जो नेचर जनरेटेड है, दूसरा जो मैनमेड है या ह्यूमन स्किल का रिजल्ट है, वैसी दो चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस वातावरण में, इस सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यूं ही पड़ी हुई आपको मिलती है, दिखती है। तो जब तक कि उस चीज़ का आप वैल्यू एडिशन उसके साथ नहीं करते, तब तक के वो चीज़ें एक्चुअल में एक रिसोर्स नहीं बन सकती। जैसे वातावरण में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो आपके यूज़ में भी नहीं है, जिसके बारे में आप पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं, पूरी समझ भी नहीं रखते, वो चीज़ें भी आपके वातावरण में मिलती है और उसमें भी आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता है, वो कर सकती है। लेकिन कब, जब उसके साथ उसका वैल्यू हम लोग ऐड करेंगे, तो रिसोर्सेज के वैल्यू को मेजर करने के लिए जो कंसेप्ट है उसका नाम वैल्यू एडिशन है। और वही वैल्यू एडिशन किसी भी रिसोर्स के या किसी भी वस्तु के उपयोगिता को बढ़ाता है और उसके वैल्यू को, मतलब उस चीज़ का जो अस्तित्व है उसको संसाधन के रूप में लाके खड़ा करता है, वो वैल्यू ही है। अगर वैल्यू को हम लोग रिसोर्सेज से निकाल देते हैं, तो फिर ये संसाधन संसाधन नहीं रह जाएंगे। ये चीज़ें एक उपयोगी संसाधन, यूज़फुल रिसोर्स तभी तक है जब तक के उसके साथ उसका वैल्यू जुड़ा हुआ है। तो वस्तुएं जो मिलती है हमारे चारों तरफ, उसके वैल्यूज़ को हम लोग फोर कैटेगरी में रखते हैं, वो चार तरह के होते हैं, जिसमें एक सबसे पहले जो उसका वैल्यू होगा वो है इकोनॉमिक वैल्यू। इकोनॉमिक मतलब जितनी चीज़ें आप इस एनवायरनमेंट के अंदर देखती हैं उसका अपना एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है। तो ये इकोनॉमिक वैल्यू उस वस्तु के उपयोगिता को बढ़ाता है, तो ये रिसोर्स का वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू। दूसरा देखेंगे कि लीगल वैल्यू, रिसोर्सेज का अपना एक लीगल वैल्यू भी होता है। नंबर थ्री इसी में देखेंगे कि मॉरल वैल्यू, मॉरल वैल्यू भी है। और नंबर फोर में इथिकल वैल्यू,
इथिकल वैल्यूज, ये फोर टाइप्स के जो वैल्यूज़ हैं, ये रिसोर्सेज के वैल्यू है और ये किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाता है या उस वस्तु को एक एक्चुअल रिसोर्स के रूप में जो ला के खड़ा करता है वो उसकी ये वैल्यूज़ हैं। इकोनॉमिक वैल्यूज़, लीगल, मोरल, मोरल को एस्थेटिक वैल्यू भी आप बोल सकते हैं, और इथिकल वैल्यू, ये चार तरह के मान हैं जो संसाधनों की उपयोगिता बढ़ाते हैं। दूसरा टॉपिक था आपका रिसोर्स के संबंध में वैल्यूज़। अब मेरी बात होगी आपके साथ टाइप्स पे, टाइप्स या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों के प्रकार या फिर उसका वर्गीकरण। जैसा कि मैंने बताया कि आपके इस नेचुरल सराउंडिंग में या हमारे चारों तरफ जो चीज़ें मिलती हैं, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती भी हैं या करने की क्षमता है या फिर उसकी उपयोगिता भविष्य में आने वाले दिनों के लिए बनी हुई है, अगर इस तीनों में से किसी कैटेगरी में वो वस्तु आती है तो एक संसाधन है। लेकिन देखेंगे कि उन संसाधनों के जो नेचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो डिफर होते हैं एक दूसरे से। तो उसी डिफरेंशिएशन के आधार पे संसाधनों को क्लासिफाइड करने की ज़रूरत है या फिर उसको हम लोग डिफरेंट टाइप में रख सकते हैं। जैसे रिसोर्स के क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग कई बेस अपनाते हैं। कई बेस का मतलब, जैसे आप क्लास में 10-20-50 लड़के अगर पढ़ रहे हो तो टीचर आते हैं और आपको बोलते हैं कि आप इनको क्लासिफाइड करें बच्चों को, तो आप इनके लिए कई सारा स्केल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप इंटेलिजेंस देखेंगे कि उसके बेस पे, फिर आप जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोरिंग की जो टेंडेंसी है क्लास में कि कौन सा बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स लाता है, फिर मीडियम रेंज के अंदर कौन आते हैं, फिर नीचे वाले रेंज में रैंक में कौन सा बच्चा है, ये उसका जो मार्क्स का जो ऑब्टेनिंग है, ऑब्टेनिंग स्केल है, इस बेस पर भी आप उन्हें बांट सकते हैं। उन्हें कहा जाए कि हाइट के बेस पर बांटो तो आप उसमें एक टॉलेस्ट देखेंगे, शॉर्टेस्ट भी होगा उसी में। फिर कलर के बेस पे आप भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो कोई मिल्की वाइट है बिल्कुल फेयर कलर होगा, थोड़ा सा कम होगा, सबसे कम होगा, ये सारा डिफरेंट बेस आप यूज़ कर सकते हैं क्लास में 25-50 बच्चों को या जितने भी बच्चे हों उसको क्लासिफाई करने के लिए। चूँकि जाहिर है कि ये जितनी चीज़ें या जितने लक्षण मैंने बताया बच्चों के, ये सभी एक दूसरे से डिफर होते हैं एक दूसरे में, इसलिए उनके क्लासिफिकेशन के लिए ये बेस अपनाया जा सकता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करने के लिए आप कई बेस अपना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है नेचर बेस्ड। रिसोर्सेज का जो अपना नेचर है, उस नेचर के बेस पे रिसोर्सेज को तीन ग्रुप में रखेंगे, नेचुरल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स और नंबर थर्ड में ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। अब इन्हें आप ध्यान से समझिए। नेचुरल रिसोर्स का मतलब है कि नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक वस्तुएं जिसको नेचर ने क्रिएट किया हो लेकिन ये ह्यूमन रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, वैसी चीज़ों को हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जो नेचुरल थिंग्स, नेचुरल सब्सटेंस या वैसी चीज़ें जो प्राकृतिक हो, जिसको प्रकृति ने, नेचर ने बनाया और वो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करती हो या करने की क्षमता रखती हो, वो नेचुरल रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे देखेंगे लैंड है, लैंड के बाद सॉयल है, एयर है, वाटर है, ये सारे नेचुरल हैं लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्स के कैटेगरी में खड़ा करेंगे। दूसरा मैनमेड रिसोर्स है और ह्यूमन रिसोर्स है। कुछ लोग इसको समझने में भूल कर लेते हैं कि कुछ लोग इस दोनों को एक ही कैटेगरी में खड़ा करते हैं कि मैनमेड रिसोर्स या ह्यूमन रिसोर्स बोथ आर सेम इक्वल, ऐसा नहीं है। इस दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है, ये मैनमेड रिसोर्स है। मैनमेड रिसोर्स का मतलब कि उन चीज़ों को जिन्हें ह्यूमन बींग ने बनाया, जिन्हें मानव ने बनाया अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मैनमेड थिंग्स, एनी सब्सटेंस कैन बी क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स टू मीट देयर ओन रिक्वायरमेंट। कोई भी चीज़ जिसको मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया हो और वो चीज़ें अगर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हो, तब उन्हें मैनमेड रिसोर्स बोलते हैं, मतलब मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन।
जबकि तीसरा जो ह्यूमन रिसोर्स है मतलब मानव संसाधन, ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ हैज रिसोर्सेस, मानव स्वयं में एक संसाधन है, इसलिए कि एवरी थिंग इज क्रिएटेड बाई नेचर ऑन द अर्थ फॉर द ह्यूमन बींग्स एज वेल द सम अदर काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस पृथ्वी पर जितनी चीजें पाई जाती है उस सब का भली भांति उपयोग मानव ही करता है, इसीलिए मानव को अपने आप में एक संसाधन माना गया। अगर ये ह्यूमन बीइंग स्किल्ड नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, टेक्निकल नहीं है, तब जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके नेचुरल सराउंडिंग के अंदर पाए जाते हैं ये इसका सही यूज भी नहीं कर सकता। तो जब उन चीज़ों का उपयोग नहीं होगा तो फिर वो चीज़ें संसाधन के रूप में तो एक्सेप्ट होंगी नहीं। संसाधन के रूप में एक्सेप्ट होने के लिए ज़रूरी है कि उसका रिक्वायरमेंट पूरा करने का नेचर हो या वो मानव के रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, ये उसके लिए ज़रूरी है संसाधन बनने के लिए। तो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती हो वो चीज़ें, तो मानव को भी तो उस ढंग का होना चाहिए जो उससे अपनी आवश्यकताएं पूर्ति कर ले। तो इस आधार पर देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग के आप दो लेवल या दो ग्रुप कर सकते हैं, एक स्किल्ड जो किसी भी संसाधन का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता हो वो असल ह्यूमन रिसोर्स है, दूसरा जो ह्यूमन बीइंग तो है इंटेलिजेंट नहीं है, स्किल्ड नहीं है, टेक्निकल नहीं है, तो वो संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर सकता। तो मनुष्य अपने आप में एक संसाधन तो है, इसलिए कि सभी संसाधनों का उपयोग मनुष्य ही करता है, मानव ही करता है अगर वो स्किल्ड है तब। तो मैनमेड रिसोर्स में और ह्यूमन रिसोर्स में ये एक डिफरेंस है कि मैनमेड का मतलब कि जिसको मैंने बनाया, जैसे पेन, फैन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड्स, बिल्डिंग, ड्वेलिंग प्लेसेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब क्या हैं? ये सब मानव निर्मित है, ह्यूमन मेड है, लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इन चीज़ों को बनाया। जैसे जैसे उनके रिक्वायरमेंट बढ़ते गए वैसे वैसे ये चीज़ों का अस्तित्व तो भी सामने आता गया। लेकिन ये तो मैनमेड हो गए, लेकिन उस मैनमेड को बनाने वाला जो मैनकाइंड होगा, जो मनुष्य होगा, वो होगा ह्यूमन रिसोर्स। ये डिफरेंस है, मानव ने जिन चीजों को बनाया वो मानव निर्मित मैनमेड रिसोर्स हो गए, लेकिन उसे बनाने वाला जो मानव समुदाय है, जो मानव जाति है, वो स्वयं में अपने आप में एक संसाधन है, रिसोर्स है, वो है ह्यूमन रिसोर्स अगर वो स्किल्ड है तब। अगर स्किल्ड नहीं है तब वो एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काउंट नहीं हो सकता। जैसे कोई पागल है, मेंटली इल है, फिजिकली हैंडीकेप्ड है, डिसेबल है, ही कांट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकता, इस कंडीशन में वो आदमी एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स कैटेगराइज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी नहीं है, वो कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकता। तो इस आधार पे आपने देखा कि नेचर के बेस पे ये संसाधन, ये रिसोर्सेस तीन तरह के हैं, नेचुरल, मैनमेड और ह्यूमन। अगली बात जो मेरी साथ होगी आपके साथ वो है ओरिजिन बेस पे, के संसाधनों का जो जन्म है वो कैसे होता है और उस बेस पे ये संसाधन कितने तरह के होंगे, फिर और भी अलग अलग बेसेस हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, फिर बाद में जो दो तीन टॉपिक्स रह गए हैं और इंशाल्लाह उस पर कल बात होगी। और तब तक मेरे वीडियो को आप देखिए, समझिए, और बच्चों से को स्पेशली सजेशन है कि जो बच्चे भी 8 स्टैंडर्ड से बिलोंग करते हैं या 6th 7th क्लास से या बिलो 10th, तो उनको एक सजेशन है कि वो जब भी आप मेरे चैनल पे आएँ तो आप पेन और नोटबुक लेकर के ज़रूर बैठें, क्योंकि उसमें कभी कभी होते होते कुछ ऐसी बात हो जाएगी जो आपके काम आ सकती है बाद में, इसलिए आप इसका ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।